हाँ, 5:30 बजे से वो जो जींद रोड पर शराब का ठेका उसके सामने से निकला है बाइक लेकर, उसके बाद किसी कैमरे में नहीं है। घर से क्या कह के गया था? तो बस स्टैंड पर गया था मेरे साथ सब्जी लेने के लिए, मैं खेत में चला गया था, वो वहाँ बस स्टैंड पर रह गया था कि मैं वापस घर चला जाऊंगा, वो तो बाद में घर आया। तो इसमें तो कुछ ना कुछ दोषी ऐसे जो भी है, जब उसको इस बात पे वो अंदर नहीं कर उस दिन, तो बस रोड खुलवाने के लिए अधिकारी बोल रहे थे कि भाई 2 दिन में सारा पर्दाफाश कर देंगे, वो देख लो आज 26 तारीख की बात है और आज कितना अधिकारी है, एसपी डीएसपी है, क्या उनके ऊपर भी कोई सवाल उठता है इस प्रकार? भाई कुछ ना कुछ तो प्रेशर है, जब भी तो जांच में ढिलाई चली है। हम ये नहीं कहते कि भाई पूरा तालाब भी गंदा है, कुछ मछली गंदी हो सकती है। आज आप विधायक जी से मिल के आए हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आज? भाई उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और दिल से मदद करूंगा जो मुझसे बने पड़ेगी। मदद तो देखो ये होती है कि हमें तो सिर्फ ये पता लगाना कि हमारा अभी हिमांशु जो जीवित है या उसकी रियल में हत्या हो चुकी है, अभी तक तो सस्पेंस है इस चीज का। किस प्रकार से हम मानने की भाई उसकी हत्या हो गई है, कुछ हमें पुख्ता सबूत तो चाहिए उस चीज के। ना प्रशासन अब तक वो कोई सबूत नहीं दे पाया हमें, अगर भाई क्यों हत्या हुई, किस कारण हुई और कितने आदमी थे। अब तक सिर्फ राहुल को गिरफ्तार उन्होंने कर रखा है, अब तक राहुल के पिता को गिरफ्तार कर रहे हैं। राहुल का पिता बाद में गिरफ्तार किया है, राहुल पहले गिरफ्तार कर लिया। राहुल का पिता क्या करता है? वो फौज से रिटायरमेंट है और अब शायद दिल्ली मेट्रो में नौकरी कर रहा है। राहुल की पढ़ाई कितनी कर चुके हैं? कौन सी क्लास में? राहुल अब की बार शायद प्लस टू में था। अच्छा, टेंथ होगी उनकी। हाँ, वो पहले नवेद्य में था और वहां से निकाले गया था वो चोरी चकारी के चक्कर में। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया शायद। तो अपने हिमांशु के साथ कैसे उसका संपर्क हुआ? भाई इस बात का तो हमें भी नहीं पता कैसे संपर्क में आए, क्यों ना तो वो साथ पढ़े, कहीं जिम से कांटेक्ट हुआ है या किसी और दोस्त से, वो तो उन्हीं को पता है। हिमांशु की अभी क्या चल रहा था? हिमांशु को कौन सी क्लास में? हिमांशु प्लस टू पास आउट करके अब की बार और BA LLB में एडमिशन लिया था रोहतक वेस्ट कॉलेज में। LLB में लिया है तो देखो हम कह सकते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हाँ ठीक था, तभी उसने मतलब वहाँ एडमिशन लिया है, नहीं तो LLB देखो आम पढ़ने वाले बच्चे की तो बस की बात नहीं, LLB करेगा वो। ठीक था वो पढ़ाई। और गांव में भी हमने आपसे शिवा भी वैसे पूछा है कि बताया ये जा रहा है कि बहुत शरीफ था, किसी के साथ ना कोई फालतू बोलना, इस प्रकार से बताया जा रहा है उनका सब। हाँ भाई कहीं फालतू आता जाता ही नहीं था, स्कूल गया फिर लाइब्रेरी चला गया, ट्यूशन जाना था फिर अपने घर पर, ज्यादा जिम चला गया शाम को और ज्यादा कहीं घूमता ही नहीं था वो, ना खेत में भी जाता था कभी? हाँ खेत में जितना उसका काम था करता था वो, और कोई फालतू कितने बैठता नहीं, कोई नशा पता करता नहीं था, किसी का लेना देना नहीं, 500 रुपये घर से ले गया, 400 लगे शाम को 100 वापस देता था। अच्छा, तो जैसे वो घर से गया था उसके बाद कुछ सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ के बस स्टैंड वगैरह के कहीं के खंगाले गए हैं कि वो किस टाइम तक कहाँ देखा गया? हाँ 5:30 बजे से वो जो जींद रोड पर शराब का ठेका उसके सामने से निकला है बाइक लेकर, उसके बाद किसी कैमरे में नहीं है। घर से क्या कह के गया था वो भी, मैं कहाँ जा रहा हूँ? घर से तो बस स्टैंड पर गया था मेरे साथ सब्जी लेने के लिए, मैं खेत में चला गया था, वो वहाँ बस स्टैंड पर रह गया था मैं वापस घर चला जाऊंगा, वो तो बाद में घर आया ही नहीं। जींद रोड पे जो ठेका है उसके आगे से? हाँ उसके आगे से निकला है, उसके बाद दोबारा घर आया नहीं, उसके आगे से राहुल वाली गली है। अच्छा, हाँ वो शायद उसके घर गया होगा और कहाँ जाओ था। राहुल ने कबूल किया कि भाई हमने यहाँ मिला था? हाँ, वो पहले तो गुमराह करता रहा, यहाँ मिला था, जींद की तरफ गया, आगे हम जींद तक कैमरे चेक करके आए हैं जितने भी रोड पे, किसी कैमरे में क्रॉस से नहीं हो रहा, वो जींद की तरफ तो गया ही नहीं। फिर राहुल के परिवार से किसी से कोई बातचीत हुई है? ना भाई उससे तो जिस दिन 4 तारीख को FIR हुई थी उसी दिन से बात हुई है, उनने कोई सहयोग नहीं कराया हरेसमेंट देने के सिवाय। 5 तारीख को वो टिकट बुक कराते हैं शिमला जाने की चारों आदमियों की, तो भाई उनका क्या मकसद था वो शिमला गए, जबकि केस चल रहा, मेरा बच्चा गुम हो रहा, लास्ट में राहुल से मुलाकात हो रही, तो कोई दुख तो था नहीं इस बात का।
तो वो तो भागने का प्लान था उनका। पहले 7 तारीख को उसकी माँ बोल रही है थाने में 50 आदमी थे, 24 साथ में खड़ा था, अगर इनका तो मर गया मारन और पुलिस तंग कर ये मारा फांसी खा जाएगा। अरे सचो ने कहा तेरे पर रुकया नहीं गया, मैं नहीं चाह रहा था, वो ही बात कह दी तन तो इसमें तो कुछ ना कुछ दोषी है। सचो भी है जब उसको इस बात पे वो अंदर नहीं करया उस औरत को, मेरे लिख के देने के बाद भी वो FIR आज तक नहीं है कहीं भी, जिसमें सीधा बाई नेम दे दिया था पूरा परिवार के नाम समेत, एक भाई ने मेरे लड़के की हत्या कर दी, आज तक उस FIR का पता नहीं है 7 तारीख वाली का कहाँ। 2 FIR दी थी, एक तो धमकी की दी थी सुबह आते एक भाई हमने तंग करे हैं धमकी दे हुए हैं, और फिर वो 10 बजे ही उसकी माँ ने बोल दिया था वो दी, उसका कोई पता ही नहीं है कहाँ कहाँ गायब कर दी प्रशासन ने, वो ना वो कहीं दर्ज करी ना कुछ और करे उसका, लेकर रख ली थी। गांव का कितना क्या सहयोग मिल रहा है आपको भाई? पूरा गांव आसपास के गांव सभी मेरे साथ हैं। उस दिन वो विधायक जो महम से बलराज कुंडू, हाँ वो भी वहां पर पहुंचे थे उस दिन, और काफी अधिकारियों को भी बुला लिया था उस टाइम पे, लेकिन एक जांच के नाम पे दोबारा हाँ उस दिन तो बस रोड खुलवाने के लिए अधिकारी बोल रहे थे कि भाई 2 दिन में सारा पर्दाफाश कर देंगे, वो देख लो आज 26 तारीख की बात है और आज कितना कितने दिन हो गए हमें तो कुछ पता नहीं, ये कह रहे हैं जांच चल रही है। उसके बाद आप किन किन के पास, किस किस अधिकारियों के या किसी मंत्री के पास गए हो? हमने रोहतक में कोई बड़ा अधिकारी नहीं छोड़ा जिसके पास नहीं गए हैं, SP DSP सभी के पास, सभी के पास गए हैं, और जितने हमारे एरिया के लोकल नेता हैं सभी के से मिला है, अनिल विज जी यहाँ से भी मिला है हम। अनिल विज ने क्या आश्वासन दिया है? अनिल विज ने भी ये आश्वासन दिया था भाई निष्पक्ष जांच करो, और अकेला लड़का तो ये काम कर ही नहीं सकता, उसके बाद भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं दे पाया प्रशासन, हमको जवाब नहीं दे पा रहा। ये तो रटी रटाई एक बात बोल रहे हैं, अगर भाई मर्डर यही होया है अकेले ने किया है, और हम ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई वहां मर्डर होया है अकेला कर सके है। दर्शकों, बीजेपी का सबसे धुरंधर नेता जो है अनिल विज है, तो जब भी कोई बात होती है तो हर कोई ये कहता है कि भाई हम विज तक पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास होता है कि विज है जो वो इनको इंसाफ दिलाएंगे, और उस इंसाफ के लिए जो है विज से भी मिल चुके हैं, उन्होंने भी बोल तो दिया है कि निष्पक्ष इसकी जांच हो, लेकिन वो जांच होगी कब? जब इन्होंने रोड जाम किया था, आश्वासन पे वो भी खुलवा दिया है, उसके बाद इंसाफ के लिए जो दर दर ठोकरा खा रहा है पूरा परिवार और पूरा गांव आज इनके साथ है, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिल पा रहा है, तो कहां इस मामले की गुत्थी उजली हुई है प्रशासन? देखो यहाँ की हम बात करें कि यहाँ का थाना SHO ये बिक गए होंगे, लेकिन इससे जो उच्च अधिकारी है SP DSP है, क्या उनके ऊपर भी कोई सवाल उठता है इस प्रकार? भाई कुछ ना कुछ तो प्रेशर है, जब भी तो जांच में ढिलाई चली है, हम ये नहीं कहते कि भाई पूरा तालाब भी गंदा है, कुछ मछली गंदी हो सकती है, वो तो भाई वो जाना फिर। तो दर्शकों, ये हिमांशु के पिता से हमने बातचीत की है, पिता किस प्रकार से अपने आप को रोके हुए है, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप देख सकते हैं कि जिसको अभी तक दिल ये भी गवाही नहीं दे रहा कि भाई वो जीवित है या उसकी हत्या हो चुकी है, तो इस मामले का दूध पानी का पानी होना चाहिए। दर्शकों, वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हिमांशु इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ये, अगर वो जीवित है तो है कहाँ उसका भी पता होना चाहिए, अगर वो उसकी हत्या कर दी गई है तो वो पुख्ता सबूत इनको चाहिए, इस दिल को संतुष्टि हो, इनको जो एक परंपरा होती है परिवार की, जो भाई उसकी 13वीं का होता है या जो रस्म होती है उनकी, उसके बाद भाई वो घर में जो फोटो लगाते हैं उस पर हार भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक तो परिवार को ये भी नहीं पता है कि उसके साथ हुआ क्या है। दर्शकों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, आपकी क्या राय है इस मामले में, किस प्रकार से जो है प्रशासन ढिलाई बरत रहा है कि इतने अधिकारियों के पास, इतने मंत्रियों के पास जाने के बाद भी अभी तक मामला उलझा हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।